फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स यदि आप भी अपने किसी भी फ़ोटो की साइज़ को कम करना चाहते हैं, किसी भी फ़ोटो की साइज़ को 20 के भी, 50 के भी, 100 के भी साइज़ का बनाना चाहते हैं, वो भी अपनी मोबाइल से कुछ ही सेकंड में, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ऐसा कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी फ़ोटो को कुछ ही सेकंड में आसानी से 20 के भी, 50 के भी, 100 के भी साइज़ का बना सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। से पहले आपको अपने किसी भी फ़ोटो या सिग्नेचर की साइज़ को कम करने के लिए प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है क्यू रिड्यूस लाइट। तो फ्रेंड्स इसके लिए डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है क्यू रिड्यूस लाइट। जैसे फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे क्यू रिड्यूस लाइट तो इस एप्लीकेशन का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए क्यू रिड्यूस लाइट, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन से आप अपने किसी भी फोटो सिग्नेचर की साइज़ को 20 के भी, 50 के भी, 100 के भी साइज़ का आसानी से बना सकती हैं। अब फ्रेंड्स आप अपने जिस भी फोटो या सिग्नेचर की साइज़ को कम करना चाहते हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको चूज फोटो पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप चूज फोटो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एल्बम पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप एल्बम पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको अपनी गैलरी से उस फोटो को सेलेक्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसकी साइज़ कम करना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको फाइल साइज जितना इस फोटो का रियल साइज़ होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये फोटो 121 KB का है। अब मैं इसकी साइज़ को कम करना चाहता हूँ। अब आपको जितना भी इस फोटो की साइज़ को बनाना है उतना आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। ये देखिए फ्रेंड्स कंप्रेस टू फाइल साइज के जस्ट बॉक्स दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में आपको KB का ऑप्शन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यदि इस फोटो की साइज़ को 20 KB का बनाना है तो आपको सिंपली 20 टाइप करना है। यदि आप इस फोटो की साइज़ को 50 KB का बनाना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आपको 50 टाइप करना है। जितने भी इस साइज़ का आप फोटो बनाना चाहते हैं उतना आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए मुझे इस फोटो की साइज़ को 50 KB साइज़ का बनाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ 50 टाइप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कंप्रेस का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप कंप्रेस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स कंप्रेस्ड फाइल साइज़ 49.02 KB, यानी कि ये फोटो पहले 121 KB का था अब ये 49 KB का बनकर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स आपको इसे अपनी गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ आपको सेव्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसे दिखाता हूँ कि ये मेरे गैलरी में सेव हुआ या नहीं। मैं अपना गैलरी ओपन करता हूँ, यहाँ सबसे पहले मेरा यही फोटो दिखेगा। यहाँ मैं डिटेल्स पर क्लिक करके ये देखिए फ्रेंड्स फाइल साइज़ 49.02 KB। तो फ्रेंड्स अब आप इस एप्लीकेशन से अपने जिस भी फोटो या सिग्नेचर की साइज़ को कम करना चाहते हैं आसानी से इस एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।